अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू ब्रोनोज़। मैं हूं आपका टीचर तलाल और आज मैं आपके लिए एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और अमेजिंग और कमाऊ पुत्र टूल लेकर आया हूं जिसका नाम है क्लोन स्टैम्प टूल। तो सबसे पहले चलते हैं स्क्रीन की तरफ, देखते हैं कि किस तरह से फाइवर पे इसकी डिमांड है, फिर हम इस टूल को सीखने की कोशिश करेंगे। ऑलराइट, मैं इस वक्त सबसे पहले फाइबर पे मौजूद हूँ और मैंने यहाँ पर सर्च कराया है वर्ड फ़ोटो रीटचिंग। तो आप ये देख रहे हैं कि बहुत सारी जो ना फेसेस बने हुए हैं, उनको किस तरह का फेस था, किस तरह से चेंज किया, मतलब इसके दाने निकले हुए थे, इसको पिंपल्स थे, वो गायब किए गए। तो ये फ़ोटो रीटचिंग में ये क्लोन स्टैम्प टूल बहुत काम आता है। इसके अलावा अगर हम एक और चीज़ सर्च कराएँ फाइबर पर, ऑब्जेक्ट रिमूवल टूल, तो ये भी बहुत ज़्यादा काम आता है। इसमें अगर आप देखें तो यहाँ से तस्वीरें थीं तो ये तस्वीरें गायब हो गई, ऑब्जेक्ट रिमूव कर दिया फ़ोटो से, इसको रीटचिंग कहते हैं। तो ये थोड़ा सा आज हम सीखेंगे और देखेंगे कि किस तरह से हम इसको यूज़ करते हैं इस टूल को। तो चाहिए चलते हैं स्क्रीन की तरफ। ऑलराइट, मेरे पास इस वक्त एक पिक्चर मौजूद है, बड़ी ही ज़बरदस्त सी सीनरी है। अगर मैं इसको ज़ूम करता हूँ थोड़ा सा और स्पेस करके नीचे लेकर आता हूँ, तो ये देखो एक कश्ती में कुछ लोग सवार हैं और ये जा रहे हैं, गामजन हैं अपनी तरफ। और मैं ये चाह रहा हूँ कि ये कश्ती एक और डुप्लीकेट बनकर आ जाए। तो सबसे पहले मैंने क्या काम करना है, सबसे पहले मैंने जाके एक नई लेयर ले लेनी है। याद रखो, हमेशा नई लेयर पे काम करना सीखो ताकि कोई काम में गड़बड़ी हो तो तुम मिटा सको, उड़ा सको। नंबर टू क्या चीज़ है कि ये रहा वो आपका क्लोन स्टैम्प टूल। थोड़ी देर इसको रख के देखते हैं कि ये देखो क्या कर रहा है, ये बनाता जा रहा है, बनाता जा रहा है, बनाता जा रहा है। देखो ये क्या हो रहा है, तो यही चीज़ हमने सीखना है। देखो जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूँगा और यहाँ पर इस पर रखने की कोशिश करूँगा तो देखो ये एरर देगा, वो ये कहेगा कि ऑल्टर क्लिक टू डिफाइन अ सोर्स पार्ट। यानी आपने सबसे पहले इसको बताना है कि ये कहाँ से ले। देखो स्टैम्प टूल होता क्या है, कभी आपने स्टैम्प्स जेना की हो तो आप क्या करते हैं, एक जगह से जेना इंक लेते हैं स्टैम्प की और उठा के दूसरे पेपर पे वो मार देते हैं, तो वही का वही चीज़ जो उसमें लिखी हुई होती है स्टैम्प पे वो एक और जगह जाके छप जाती है। तो यही चीज़ हमने जिना स्टैम्प टूल से करनी होती है। अब वो कह रहा है कि पहले मुझे बताओ तो कौन सी जगह से मैं इंक उठाऊं। तो इसके लिए आपने सबसे पहले क्या करना है, ऑल्टर प्रेस करना है। और मैंने इसको यहाँ से बता, थोड़ा सा मैं इसको और जूम कर लेता हूँ। ऑल्टर, अब मैं ऑल्टर प्रेस करके देखो मैंने ये इसका पॉइंट ले लिया कि मुझे ये चीज़ चाहिए और मैंने थोड़ा सा यहाँ आकर ये यहाँ पे पेस्ट करना शुरू कर दिया। देखो अब ये इस वक्त पेस्ट नहीं होगा, इसकी वजह क्या है, क्योंकि ये लेयर जो मैंने ली हुई सेलेक्ट हुई हुई है ना, ये करंट लेयर हुई हुई है। और देखो अगर करंट लेयर है तो करंट लेयर पे तो कुछ है ही नहीं, तो आपने किस तरह से सैंपल लिया होगा, तो लिया ही नहीं होगा। तो इसके लिए क्या तरीका है, आप करंट लेयर की जगह यहाँ से ऑल लेयर सेलेक्ट कर लें जाकर। अब देखो मैं यहाँ पर ऑल्टर जो ना सेलेक्ट करता हूँ और अब मैं इसको यूँ जाके यूँ पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है, ये पीछे भी कर देता हूँ तो इसकी लहरें भी आ जाएंगी। तो देखो एक और बन गई। अगर मैं चाहूँ इसको अल्टर करके थोड़ा सा बाहर करता हूँ, एक मैं चाहूँ कि नहीं यार एक और जीना रेस में जितवा दूँ, तो मैं ये एक और यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ थोड़ा सा। तो देखो कितनी आसानी से, अब देखो यहाँ पर कलर थोड़ा सा चेंज हो रहा है, तो मेरे पास एक तरीका क्या है कि मैं इसको हटाऊँ और इधर का जो कलर है इसको मैं इरेजर टूल से जाकर थोड़ा सा ये मिटाना शुरू कर दूँ। तो अगर मुझे ये चीज़ नहीं चाहिए जो कि ज़्यादा ले लिया है मैंने, तो मैं यहाँ से ये हटा सकता हूँ, वापस मैं इधर आ जाऊँगा। तो देखो अब देखो ये तीन कितने अमेजिंग से, एक थी पिक्चर में, अब तीन जो ना फोटोज़ ये आ गई। तो ये बड़ा आसान है इस टूल को यूज़ करना। बाय द वे, हम इस टूल को सिर्फ इसलिए यूज़ नहीं करते कि कोई ऑब्जेक्ट लेकर आना है, हमारा अक्सर जो ना इसमें जो कॉमनली पर्पज़ होता है कि कोई ऑब्जेक्ट रिमूव करना है। तो वो किस तरह करेंगे ज़रा ये देखते हैं। मैं यहाँ पर एक नई लेयर ले लेता हूँ और इस लेयर को मैं उड़ा देता हूँ, मुझे ये रिमूव करना है। तो अब देखो मैं क्या करूँगा, अब मैं यहाँ से सिलेक्शन कर दूँगा इस पानी की जो थोड़ा सा इसके करीब था और उसके कलर से मिलता जुलता था, ऑल्टर दबा के। और मैं यानी कीप इन माइंड, सॉरी मैंने रबड़ लिया हुआ था,
कीप इन माइंड कि ऑल लेयर जो ना लगा हुआ हो, आपने यहाँ से ऑल्टर ले लिया और ये दे जाके मैंने इसको पूरा देखो, ये यहाँ से इसने इसका जो ना जो लीफ थे वो ले लिए, कोई मसला नहीं है। आप एक और काम कर सकते हैं कि वही जो ब्रशेज में हमने किया था इसका थोड़ा सा छोटा कर दीजिए और नया ऑल्टर ले लीजिए और इसको पैच को रिमूव कर दीजिए। तो ये आपका बासानी पूरा रिमूव हो गया। थोड़ा सा अगर आपको यहाँ लग रहा है कि भाई ये समझ में नहीं आ रहा, तो आपने इसको भी यहाँ से, तो कश्ती पूरी आपकी समंदर से, समंदर नहीं तो झील है बड़ी खूबसूरत सी, यहाँ से गायब हो गई। तो देखा आपने कितना आसानी से हम कोई ऑब्जेक्ट को इंसर्ट कर सकते हैं और कितना हटा सकते हैं। देखो मैंने जो अभी यहाँ पर आपको दिखाया था $5 में, ये तो $20 ले रहा है भाई, अल्लाह को मान। देखो कितने ये लोग कमा रहे हैं, 61 इसके जो ना हो चुके हैं, इसके 35 हो चुके हैं। $5 में आप इतनी सी चीज़ करके पैसा कमा सकते हैं। देखो पैसा कमाना कितना आसान है, थोड़ा सा जो ना थोड़ा सा ये दिमाग जो ना यूज़ करो और जो बस फिर जो ना तुम्हारा बड़ी आसानी से तुम्हारा बैंक की जो मीटर है वो घूमता रहेगा। ऑलराइट, आगे चलते हैं। अच्छा अब मैं कुछ चीज़ें जो ना आपको इसमें थोड़ा सा एडवांस लेवल की तरफ लाना चाह रहा हूँ, तो हम यहाँ पर देखेंगे कि किस तरह से हम इसको और मज़ीद तरीके से यूज़ कर सकते हैं। देखो मैं यहाँ पे विंडो पे गया हूँ और विंडो पे जाने के बाद मैंने यहाँ पे ले लिया है क्लोन सोर्स, ठीक है। तो ये एक नया पैनल मेरे पास ओपन होकर आ गया है। अब क्या है, इसके लिए मैं एक नई फ़ोटो ले लेता हूँ जहाँ पर मैं आपको इसमें दिखाता हूँ। देखो सबसे पहले तो मैं इसको मैं ग़ायब करने की ट्रेंड्स को कोशिश करता हूँ। समझो मिसाल के तौर पे किसी ने मुझसे कहा भाई ये सीनरी में ट्रेंड्स आ रहे थे हमारे, हमें नहीं अच्छे लग रहे, तो कोई मसला नहीं है, हम इसको थोड़ा सा यहाँ लेकर आते हैं। वही क्लोन स्टैम्प टूल लिया, नई लेयर ली हमने और लेयर्स पे देख लिया और थोड़ा सा इसको हमने बढ़ा दिया, ठीक है। अच्छा देखो क्या है, अभी वहाँ पर हुआ हुआ था ना, तो अब वो कह रहा है कि जना यहाँ से अलग लोगों ना, अगर आपने पेंट करना शुरू कर दिया तो वहाँ यहाँ लेक बनना शुरू हो जाएगी, क्योंकि वो वहाँ से उसने सोर्स लिया हुआ था, हमें ये नहीं चाहिए। हमने अब यहाँ से क्या करते हैं, यहाँ से घास ले लेते हैं ऑल्टर दबा के और इसको यहाँ से सिमिलरली पेस्ट करना शुरू करते हैं। देखो जब मैं ये कर रहा हूँ तो दो कर्सर आ रहे हैं, पहली चीज़ क्या आ रही है, एक ये प्लस पॉइंट आ रहा है और एक ये क्या आ रहा है, ब्रश आ रहा है। प्लस क्या चीज़ है, आपका सोर्स पॉइंट है, वो कहाँ से वो क्लोनिंग कर रहा है। क्लोनिंग का मतलब क्या है, क्लोनिंग उसी जैसा बना देना। क्लोन शीप एक क्लोन हुई थी, याद करो कि उसी जैसी एक शीप की डीएनए से दूसरी शीप बना दी थी, तो बिल्कुल इसी तरह है कि वहाँ की चीज़ को उसने यहाँ पर पेंट करना शुरू किया है। अब मैं यहाँ जल्दी जल्दी से इसको हटाता हूँ, थोड़ा सा मेरा पीसी स्लो हो रहा है इस वजह से, थोड़ा इसको मैं और करता हूँ। ऑलराइट, देखो कितनी ज़बरदस्त तरीके से ये पूरा हमने जरा गायब कर दिया और पता भी नहीं लग रहा है, ऐसा लग रहा है कि वही जो है ना झाड़ियाँ वगैरह हैं और वहाँ पर कभी कैंप लगा ही नहीं था। तो देखो कितनी आसानी से मीडिया भी आपको बेवकूफ़ बना सकता है, आपकी फ़ोटो भी इधर से उधर करके आपको खड़ा कर सकता है कि भाई आप यहाँ क्या कर रहे थे या आप यहाँ तो थे ही नहीं। तो फ़ोटो एडिटिंग बड़ा ही फ्रॉड भी हो सकता है स्कैम्स बनाने के लिए, लेकिन आप इसको अच्छे काम के लिए यूज़ करें। ऑलराइट, मैंने आपके लिए क्लोन सोर्स ओपन किया था। देखो क्लोन सोर्स का मतलब क्या है, यहाँ पर से 3-4 स्टैम्प दे दिए, मिसाल के तौर पर मुझे 3-4 इंक्स मिल गई अब कि मैं एक में जो है एक कलर भर लूँ, दूसरे में दूसरा सोर्स भर लूँ, तीसरे में तीसरा सोर्स भर लूँ। तो पहला देखो मैंने ये लिया हुआ, मैंने कहा यार पहली चीज़ जो है मैं ये करता हूँ कि इसको मैं ले लेता हूँ ये फूल को, सही है। दूसरा मैं क्या करता हूँ, ये दूसरी स्टैम्प ली मैंने और मैंने यहाँ पर कहा कि यार मिसाल के तौर पर मैं ये वाले जो फूल है ये एरिया ये ले लेता हूँ, ठीक है। तीसरा मैं क्या करता हूँ, ये जो रॉक है ये मैं ले लेता हूँ। अब देखो मैं पहले पे आऊँगा और कहीं पे पेंट करूँगा। अच्छा इससे पहले क्या करना है हमने, अगर यहाँ पर आपको नहीं से लग रहा तो आपने यहाँ से अलाइन से चेक हटा लेना है। और अगर मैं दोबारा वही फूल ले लेता हूँ तो देखो क्या होगा, मैंने ये फूल ले लिया अलाइन से, नंबर टू मैंने ये वाला जो ना ले लिया झाड़ी, तीसरी मैंने ले ली
ऑल्ट, ये सब ऑल्टर दबा के कर रहा हूँ मैं, ठीक है। अब मैं यहाँ पर देखो इसको पेस्ट करता हूँ, तो ये एक फूल आ गया, एक फूल ये आ गया, एक ये फूल आ गया, ठीक है। मैंने अलाइन हटाया हुआ था तो अब वो वहीं की चीज़ ले रहा है, वरना क्या हो रहा था वो, अगर मैं अलाइन पे चेक लगा के करता, अभी दोबारा दिखाता हूँ आपको। देखो अब ये वही फूल जो यहाँ से ले रहा था, ये अभी भी वही फूल ले रहा है यहाँ से, इसको मैंने गायब करना है, इसी पे मैंने ये फूल ले रहा है। इसी तरह तीसरा वाला चीज़ जो रॉक थी, मैंने कहा इसके ऊपर मुझे रॉक लगा दो, तो ये रॉक आ गई। एक और जगह मैंने रॉक लगवा दी, तो ये एक और जगह पे भी रॉक आ गई, ठीक है। थोड़ा सा स्लो हो रहा है पीसी, तो थोड़ा देर में दिख रहा है आप लोगों को। अच्छा, अलाइन पे करने से क्या था, दोबारा देखो, अगर मैंने अलाइन पे क्लिक किया था और यहाँ पर मैं जाके पहला ब्रश लेकर, पहली क्लोन लेकर, और मैं ये ले लेता हूँ, ठीक है, और अब मैं लगाता हूँ, तो देखो क्या होगा, ये मैं इधर मूव होता जाऊँगा तो इसका जो सोर्स है वो आगे बढ़ता जाएगा, प्लस आगे बढ़ता जाएगा, तो आगे की चीज़ वो करता जाएगा। ये हमें अगर नहीं चाहिए, सेलेक्टेड जगह पे करना है, तो कभी कभार ऐसा होता है कि आपको टाइल पैटर्न बनाना होता है, तो आप ये करते हैं अलाइन पे से चेक हटा देते हैं, तो जो सेलेक्टेड जगह ली होती है वो जगह जगह उसके पैच हो जाते हैं, लेकिन वो थोड़ा सा फेक फेक सा लगता है, तो हम लोग उसको बहुत कम अलाइन का चेक हटा कर करते हैं। लेकिन बहरहाल अब हम यहाँ पर कर सकते हैं, तो एक और आपको ये चीज़ समझ में आ गई। अच्छा जी, तीसरी क्या चीज़ है, तीसरी चीज़ है आपकी ये कि आप फ्लिप हॉरिजेंटल करके जो है ना किस तरह यूज़ कर सकते हैं। इसके लिए मैं आपको एक और जो है पिक्चर पे लेके जाता हूँ। देखो बड़ा प्यारा सा हमारे पास एक डॉगी है, बेचारा मासूम सा। तो देखो अगर मैं यहाँ पर ऑल्टर, इसका थोड़ा सा मैं साइज़ बड़ा कर देता हूँ ताकि जल्दी पेंट हो। देखो अगर मैं यहाँ पर ऑल्टर लेता हूँ और मैं चाह रहा हूँ कि ये जो पैटर्न, इसका जो ब्लैक पैटर्न है वो इसकी जो लेफ़्ट आई है वहाँ पे भी आ जाए, तो देखो मैं सिंपली ये इस पर क्लिक करूँगा, सॉरी ये देखो, लेकिन देखो मैं क्या करूँगा, इसको थोड़ा सा इसका जो ना छोटा करूँगा, और इसका ऑल्टर पे मैंने पेट्रोल लेके आई पे आई टू आई रखा, आई टू आई। ये तो गाना था यार, ये किसका गाना था, कमेंट में बताना। ये देखो ये मैंने इसको यहाँ पे इसको पेंट कर दिया, तो हो तो ये गया, लेकिन देखो मेरे पास एक मसला ये आ रहा है, वो ये कि इसकी जो आई है वो बिल्कुल उस साइड पे आई, जो ऑरेंज कलर आपको दिख रहा है ये उस साइड पे है। मैं ये नहीं चाह रहा था, मैं इसको कॉपी को कॉपी करना नहीं चाह रहा था, मैं चाह रहा था कि इसको मिरर हो जाए, ये जैसे ये कॉपी टू कॉपी नहीं था, ये क्या करें इसको उठा के मिरर कर दे इमेज। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सिंपल कुछ नहीं करेंगे, सिंपली हमने यहाँ पर इसको फ्लिप हॉरिजेंटल पे क्लिक कर दिया, और यहाँ से ऑल्टर पे हमने यहाँ पे क्लिक कर दिया, और यहाँ पर हमने अब जाके देखो जो, क्योंकि वो फ्लिप हॉरिजेंटल हुआ हुआ है, तो इसने ये बनाना शुरू कर दिया। तो इस तरह से आप बड़े आसानी से फ्लिप करके, हॉरिजेंटल करके उसी जैसी चीज़ को मिरर कर सकते हैं, वरना कॉपी करते तो वो उसी कैसी तरह उसकी जो अलाइनमेंट थी वो ऑड कर देता। तो एक इसी तरह आप यहाँ पे वर्टिकल भी कर सकते हैं, और तो और अगर आप यहाँ पर इसका विड्थ चेंज करके कम करना चाहेंगे, तो अब देखो क्या होगा, मैं यहाँ से अगर इसका विड्थ कम कर देता हूँ, तो 60 कर देता हूँ, और यहाँ पर वापस जाता हूँ, पहली वाली जो पिक्चर थी हमारी, ठीक है, इसको मैं हटा देता हूँ, रिमूव कर देता हूँ, और अब देखो मैं थोड़ा सा इसको बड़ा करता हूँ, और इसको थोड़ा सा इसका साइज़ में कम कर लेता हूँ। देखो अभी मेरे पास जो सोर्स सेलेक्ट हुई हुई है वो इसी डॉगी की हुई हुई है, मैं यहाँ पर इसकी सोर्स सेलेक्ट कर देता हूँ। अब देखो क्या होगा कि देखो मैंने ये वेट कम की थी, कितना बड़ी जो ना इमेज बन रही है, देख रहे,
मैंने कम नहीं की थी, सॉरी, मैंने 400 कर दी थी। अब मैं अगर छोटा करना चाह रहा हूँ इसको, तो देखो ये मैं यहाँ पर इसको ठीक है। अब देखो क्या है, मैं इसको दोबारा लेता हूँ, देखो कितनी छोटी सी बन गई। तो इसका विड्थ सेलेक्ट करने से, आगे पीछे करने से क्या होता है कि आप साइज को में मेजर जो सोर्स है उसकी क्लोन तो मेन रहेगी, लेकिन उसके बाद जब आप उसको दोबारा पोर्ट्रेट करेंगे तो उसका साइज छोटा होकर आएगा। सिमिलरली अगर मैं इसका एंगल थोड़ा सा टेढ़ा कर देता हूँ, इसको मैं 100 ले लेता हूँ वापस, और इसका एंगल मैं थोड़ा सा -2 कर देता हूँ और इसका ऑल्टर दबाता हूँ, तो अब देखते हैं क्या होता है। असल में पीसी ये थोड़ा जो ना हार्ड जो है टूल है, देखो ये थोड़ी सी टिल्ट हुई भी है 2 डिग्री। अगर मैं इसको कंट्रोल जेड करता हूँ और इसको ज़्यादा डिग्री पे टिल्ट करके दिखाता हूँ आपको, तो आपको अंदाज़ा होगा कि कितनी टिल्ट हो सकती है। ये देखो एक सीधी जा रही है और एक तिरछी जा रही है, तो आप एंगल से भी खेल सकते हैं इसमें। तो आगे चलते हैं। अच्छा देखो क्या है, यहाँ पर शो ओवरले है, कंट्रोल जेड करता हूँ मैं, शो ओवरले पे क्लिक करने से क्या होता है कि जब मैं ऑल्टर पे प्रेस किया हुआ होता हूँ तो मुझे यहाँ पर वो देखो दिखा रहा होता है। अगर मैं बड़ा करूँ इसको, तो जब मैं यहाँ पे ले आता हूँ तो देखो ये दिखा रहा है कि आप बोर्ड बनाने जा रहे हैं। अगर मैं शो ओवरले से हटा दूँ तो अब ये मुझे नहीं बनाएगा, लेकिन मैं जब क्लिक करूँगा तब वो पूरी पेंट कर देगा। तो मेरा तो यही मशवरा है कि इसको शो ओवरले को रखें ताकि आपको पता लगा हो आपने कहाँ से सोर्स लिया है। इसी तरह देखो यहाँ पर क्लिप पे क्या है, क्लिप पे अगर हम देखते हैं कि अगर क्लिप पे से चेक हटाते हैं तो अब देखो क्या होगा, जो मैंने चीज़ ली होगी, थोड़ा मैं इसको और जूम आउट कर देता हूँ, अब जो मैंने लिया है वो उसी जैसा पूरा का पूरा जो है वो इमेज बनाना शुरू कर देगा उसका। अगर मैं यहाँ से 0 वापस कर देता हूँ तो तुम्हें पता अंदाज़ा होगा कि मैंने ये ऑल्टर लिया और अब मैं थोड़ा ये देखो कर रहा हूँ, तो अब ये पूरी की पूरी पिक्चर जो है ना तुम्हें दिखाएगा रख के। तो अगर मैं इसका ओपेसिटी डाउन कर दूँ और अब रख के देखूँ, तो मैं यहाँ पर पहाड़ों को थोड़ा सा अगर डबल करके रखना है मुझे, तो मैं ये करके रख के देख सकता हूँ कि मैं, और फिर मैं एक और पेंट कर दूँ, तो इस तरह से मुझे पता लग जाएगा कि किस तरह है। तो इसको डिफ़ॉल्ट पे ही रखें और जो ना कोशिश करें कि आप डिफ़ॉल्ट पे ही इसको यूज़ करें। तो आप क्लिप पे इसको लगा के रखिए और शो ओवरले पे लगा के देखिए। चले आए फिर कोई मज़े की चीज़ बनाते हैं, देखते हैं कि क्या हम इससे गेम कर सकते हैं, उसके बाद हम क्लास को एंड करेंगे। ऑलराइट, मेरे पास ये वॉक्सवैगन की फॉक्सी खड़ी हुई है, बड़ी ज़बरदस्त सी खूबसूरत सी, क्यों ना मैं इसको एक क्या करें इसके इसके साथ हम ये करते हैं कि इसका जो पीछे वाला हिस्सा है वही सामने लगा देते हैं, तो एक अजीब तरह की बनती है, लेकिन बड़ी मज़ा आएगा हमें ये बनाने में। तो आए इसको ज़रा देखते हैं। सबसे पहले तो क्लोन टूल में जाके मैं, अच्छा देखो इसका जो सबसे मुश्किल पार्ट है ना वो ये जॉइनिंग पार्ट होगा। तो मैं इसको सबसे पहले इसको बनाने की कोशिश करता हूँ कि मुझे ये बनाने में आसानी हो। अब बिल्कुल सही है, ठीक है जी। तो ये बनाते हैं अब इसको, ऑल्टर करके मैं थोड़ा सा पीछे करता हूँ। तो देखो यहाँ की जो चीज़ें हैं इसने बड़ी ही खूबसूरत अंदाज में पूरी गाड़ी हमारी ठीक है। अब हम इस तरह से भी करके देख सकते हैं, जब इसका काम ख़त्म है मैं यहाँ से हटाता हूँ, देखो ये चीज़ें रह गई हैं, तो मैं अभी इसको हटाए बगैर
ठीक है, वापस मैं हटा के देखता हूँ क्या चीज़ें रह गई हैं। यहाँ थोड़ा सा रह गया है, ठीक है, इसको बड़ा कर लेते हैं ताकि और जल्दी जल्दी हमारा हो जाए। छोटे उससे इसलिए करना चाहिए ताकि जो ना प्रिसीजन आए, वरना जो है आपका काम बेकार लगेगा। ठीक है, थोड़ा सा मैं इसको और आगे तक कर देता हूँ। ऑलराइट, ये अब हमारा बन चुका है तकरीबन गाड़ी हमारी परफेक्टली। तो अगर मैं यहाँ से इसको थोड़ा सा टूल को ले लेता हूँ तो मुझे ये भी बड़ी अच्छी सी लाइन बनती हुई नज़र आ जाएगी। हम यहाँ से ले लेते हैं इसको। ऑलराइट, ये अब हमारी बड़ी खूबसूरत सी, मैं इसको सेव कर लेता हूँ, इसी को थंबनेल बनाऊंगा तो आप लोग जो है देख के बड़ा ही इसमें खुश होंगे आप इसको देख के। तो देखें हमने किस तरह से इसकी रिटचिंग करी। थोड़ा सा आप इस टूल को अगर सीख लें तो आप फाइवर पे डॉलर्स कमा सकते हैं। तो इस टूल को बड़ा अच्छे से आपने प्रैक्टिस करना है। अभी हमने इतना ज़्यादा जो है ना इसमें काम नहीं किया है, जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे इंटरमीडिएट लेवल आता जाएगा उस वक्त तक हम जो है और एडवांस लेवल की तरफ आ जाएंगे। उम्मीद करता हूँ आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।